हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ रेशनल नंबर्स, दैट इज एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी सीखा था कि अगर कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर है तो हम उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। फर्स्ट पार्ट है 7/4। 7/4 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अगर हम देखें, जैसा कि मैंने कहा था कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है 4, लेकिन जो न्यूमिरेटर की टर्म है इससे ग्रेटर है 7। 4/4 होगा 1। तो 1 तक कितनी डिविजन होंगी? 1, 2, 3। दिस इज 4/4 1। सो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। नाउ नेक्स्ट डिवीजन जो होगी 5/4, 6/4, 7/4, नाउ 8/4, 4 2s are 8, तो ये होगा 2। तो हमारे पास जो 7/4 रेशनल नंबर है ये बिटवीन 1 and 2 लाई कर रहा है। यही हो रहा है, 1 और 2 के बीच में है ये नंबर। सबसे पहले हमने देखा डिनोमिनेटर 4 है, तो 0 to 1 में कितनी डिविजन होंगी? 3। तो 4/4 is 1। बट हमें ड्रॉ करना है 7/4 को नंबर लाइन पे, तो 4 के बाद नेक्स्ट डिविजन 5/4, 6/4, 7/4। हमें 7/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो चाहे तो आप इसे सर्कल कर दीजिए, चाहे इतना सर्कल कर दीजिए, तब भी इट्स ओके। तो 7/4 हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट नंबर इज -5/6। अब जो हमारे पास नंबर है ये नेगेटिव है। ये नंबर 7/4 पॉजिटिव नंबर था, तो 0 के हमने राइट में ये ड्रॉ की डिविजन। अब क्योंकि हमारे पास नंबर नेगेटिव है तो हम 0 के लेफ्ट में ड्रॉ करेंगे। क्या है नीचे डिनोमिनेटर में? 6। तो 0 to 1 के बीच में कितनी डिविजन होंगी? 5। 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस विल बी 6/6, -6/6, -1। सो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6 इज -1। हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है? -5/6। तो दिस इज द नंबर जो हमें रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? अगर हमारे पास नंबर नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव है तो 0 के राइट में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट पे चलें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन नंबर लाइन। सभी टर्म्स हैं नेगेटिव, तो 0 के लेफ्ट में रिप्रेजेंट होंगी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 एंड -11/11 होगा -1। नाउ -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8, -9/11, -10/11। अब हमें कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट करने हैं? -2/11, दिस इज द नंबर। -5/11, दिस इज द नंबर। एंड द -9/11। क्लियर? जब भी आपको इसे शीट पे ड्रॉ करना है रूलर की हेल्प से, जो ये डिविजन्स हैं आप इक्वल डिस्टेंस पे लोगे, चाहे 0.55 के डिस्टेंस पे लो, 1-1 के डिस्टेंस पे लो, जैसे भी ले रहे हो, हर एक डिविजन में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। क्लियर? अगर नेगेटिव नंबर है तो 0 to लेफ्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव नंबर है तो 0 के
राइट में रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? तो ये इस तरह से हम नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं.